हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हमारे सामने मारुति सुजुकी अर्टिगा, ये VXI वेरिएंट है। हम बात करेंगे आज इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्शन प्राइस है 10,70,000 रुपये और इसका ऑनरोड प्राइस है लगभग 12,20,000 रुपये। सबसे पहले तो मैं ऑटो वाइज मारुति सुजुकी एरिना का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। इनका शोरूम धारवाड़ा में लोकेटेड है। इनकी करेक्ट लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। एंड अब बैक टू द वीडियो। अब इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सुजुकी की वही टिपिकल कीज़ देखने को मिल जाती हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और दूसरी साइड आपको मिल जाएंगे लॉक एंड अनलॉक के बटन्स। वेल, और कुछ यहाँ पे बताने को है नहीं कीज़ में, सिंपली कीज़ मिलती है आपको यहाँ पे। और इसको वैसे अपग्रेड कर देना चाहिए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको मारुति को यूज़ करते हुए इसकी को। और अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। वेल, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी बढ़िया है अर्टिगा का। फ्रंट में आपको यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव लुक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हेडलैम्प्स की वजह से एग्रेसिव हुए हैं। काफ़ी बढ़िया हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स की ही बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर का सेटअप देखने को मिल जाते हैं। वेल जो यहाँ पे प्रोजेक्टर है वो लो बीम के लिए वर्क करता है। इसके अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी मिलेगी और हाई बीम के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया। वेल, हेडलैम्प्स के अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश भी दी गई है और यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। एंड ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे क्रोम का हैवी वर्क किया गया, काफ़ी बल्कि लग रही है ये। ऑल्सो इसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुजुकी का लोगो सेंटर में। एंड नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है एयर फ्लो ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल, जो कि काफ़ी ओपन मिलती है। एंड नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फोग लैंप्स। इसके साइड में यहाँ पे क्रोम की गार्निश मिल जाती है। वेल, ये आप मतलब डीलरशिप ने लगाई हुई है या फिर कंपनी से आते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगा। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। जो इसकी लेंथ है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से जो बॉडी लाइन रन होते हुए आती है यहाँ पे, मतलब जो बॉडी लाइन दी गई काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। काफ़ी लंबी बॉडी लाइन मिल जाती है। नीचे आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया है बॉडी लाइन के नीचे वाली। एंड जो फेंडर ब्लेस है वो कुछ ज़्यादा बाहर को नहीं है, इसकी वजह से इसका आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिल जाता है। व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलेंगे विद सिल्वर फिनिश। और ये स्पोक्स में कितने मेरे को नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा मिल मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं। हालांकि इसमें 5 स्पोक है क्योंकि ये सिंगल ही आ रहा है यहाँ पे, ये 4 में डिवाइड हो रहा है। फिर भी काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ मिल जाते हैं आपको व्हील्स भी। एंड इसका साइज़ मिल जाता है आपको यहाँ पे 185/65 R15 इंच के मिल जाते हैं आपको व्हील्स। एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको ऑरेंज मिलेंगे, ऑरेंज आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स भी यहाँ पे बॉडी कलर दिए गए हैं। ऊपर जो ये सन वाइजर्स मिलते हैं वो एक्सेसरीज का पार्ट है। एंड एंटीना आपको ऊपर मिलेगा जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का होने वाला है, अभी ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ। और अब बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन मिल जाता है आपको अर्टिगा का, वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है। काफ़ी बढ़िया लुक्स एंड फील के साथ मिल जाते हैं आपको अर्टिगा का। टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको यहाँ पे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन मिल जाते हैं, कुछ ऐसे रन होते हुए लाइन आती है इसकी। वेल, ये पूरा सेटअप यहाँ पे LED बेस्ड दिया गया जो रनिंग लैंप्स का है। और जो इसमें ब्रेक लाइट है वो भी LED बेस्ड है। हालांकि जो रिवर्स पार्किंग लाइट और इंडिकेटर्स है वो रिफ्लेक्टर में मिलते हैं। और ये लाइट्स आपको यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब इसमें आपके यहाँ पे स्प्लिट डिज़ाइन दिया गया। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स बम्पर के ऊपर और रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। वेल, काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो इसमें 4 पॉइंट बनते हुए देने मतलब काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है और जो ये पार्ट है ये बॉडी कलर मिलता है। अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे क्रोम फिनिश आ जाएगी और रियर विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पे ना ही वाइपर मिलता है और ना ही आपको डिफॉगर मिलेगा। एंड ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है आई स्टॉप लैम्प और स्पॉइलर भी मिल जाता है आपको अर्टिगा में, मतलब VXI वेरिएंट में। ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। यही चीज़ होती है जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा बिल्ड करती है, मतलब लुक्स को। ये भी काफ़ी बढ़िया लुक्स को प्रोवाइड कर देता है। अभी बूट स्पेस की बात करें तो सबसे पहले बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मैकेनिकल बटन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वो की होल से तो काफ़ी बढ़िया है, कुछ गाड़ियों में तो अभी आने आता है, जैसे वो देख सकते हैं आप ऑल्टो में। हालांकि वो तो पुरानी होगी लेकिन
जो वहाँ पे देख रहे हैं आप जिमनी, उसके साइड में भी वहाँ पे की होल दिया है जिसको मैनेज करना चाहिए। वैसे बूट स्पेस की बात करें, बूट में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ की बूट देखने को मिल जाती है, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे। हालांकि जो ये थर्ड रो है उसको फोल्ड करने के बाद ये स्पेस मैनेज हो पाया। इसमें देख सकते हैं अभी 4 डिब्बे रखे हैं, तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है सीट्स को फोल्ड करने के बाद। लेकिन जो मेन स्पेस है सीट्स को अनफोल्ड करके, वो कुछ ऐसे मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है इसके ऊपर। हालांकि जो सीएनजी लगी हुई है उसकी वजह से स्पेस कम ही हो रहा है, बट हाँ 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेस है। सो चलिए अब देख लेते हैं आर्टिका का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है विद बेज एंड कुछ ब्राउनिश कलर, कुछ ऐसे डिज़ाइन में देखने को मिलता है आपको इंटीरियर। वेल काफ़ी बढ़िया इंटीरियर देखने को मिल जाता है आपको आर्टिका में। अभी ड्राइवर साइड पर दिए गए फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप लेंगे ORM के कंट्रोल, ORM सबको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप लेंगे लॉक अनलॉक बटन्स, चाइल्ड लॉक बटन, डोर के ऊपर आपको यहाँ पे ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं विद ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन फीचर। एंड यहाँ पे आप जाएगा डोर पकड़ने के लिए स्पेस, एंड डोर के ऊपर यहाँ पे हर एक जगह प्लास्टिक दिया गया, सॉफ्ट टच नहीं मिलता, मतलब हार्ड प्लास्टिक दिया गया। एंड डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिलेंगे, नीचे आपको यहाँ पे मिलेंगे बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस, और यहाँ पे आप जाएगा स्पीकर। एंड डैशबोर्ड पे दिए गए फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपन जाएगा फ्यूल टाइप चेंज करने के लिए बटन, यहाँ पे अपन जाता है फॉग लैंप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लाइटिंग स्विच भी दिया गया जिसमें आपके यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी। इसको यूज़ करना सीख लो भाई, हेडलैम्प लाइटिंग स्विच को। और नीचे आपको यहाँ पे फुट रेस्ट मिल जाता है। और अब स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाएगा, स्टेयरिंग आपको यहाँ पे 3-स्पोक दिया गया। वेल लुक्स में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील भी आपको यहाँ पे ब्राउन टोन में दिया गया। स्टेयरिंग के ऊपर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको कॉल एंड ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वेल इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रैक चेंज, वॉल्यूम, मोड और म्यूट, एंड ऑल्सो इसके अराउंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुजुकी का लोगो, जिसके अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम है या फिर सिल्वर है, कुछ ऐसे ही फिनिश मिलती है, क्रोम भी है और सिल्वर भी है, दोनों फिनिश दी गई है। एंड इसकी एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। और अब क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनालॉग डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID, और राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है। वेल MID में आप देख पाएंगे ड्राइविंग टाइम, नीचे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ से आप सेट कर पाएंगे ट्रिप्स को लेफ्ट साइड वाले बटन से। एंड ऊपर आपको मिल जाएगी टाइम और पेट्रोल है या फिर CNG। एंड इस बटन से, राइट वाले बटन से कंट्रोल कर पाएंगे आप इसके फीचर्स को, मतलब इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है डेट एंड टाइम, यहाँ पे आपको मोशन कंट्रोल मिल जाता है, मतलब मोशन क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको टॉर्क एंड पावर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सेलरेशन ब्रेक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको CNG मोड की, वो कितना टाइम चला है CNG मोड, मतलब CNG में कितनी गाड़ी चली है। वेल ये सब मिलता है आपको यहाँ पे। लुक्स में काफ़ी बढ़िया है क्लस्टर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो भी आपको मिलनी चाहिए, मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपके यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड आपके यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। दिखने में तो ये पूरा मतलब टच स्क्रीन लग रहा है, बट हाँ ये टच भी है और नहीं भी। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब जो ये कंट्रोल्स है वो आपको टच मिलते हैं, मतलब जो ये बाकी सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको टच दिए गए, लेकिन जो स्क्रीन है वो टच नहीं है, बस ये स्क्रीन ही है जो दिखाती है, मतलब इन्फॉर्मेशन देगी। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम के कंट्रोल्स, राइट साइड आपके यहाँ पे ट्रैक के कंट्रोल मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रेडियो, मीडिया, सेटअप, चैनल, बैक और एंटर। और ये ऊपर आपको यहाँ पे इसको बंद करने के लिए बटन मिल जाता है। वेल जो इसका मेन फीचर है, मतलब जो इसकी मेन इसको लगाने का मतलब है, वो यही है कि बस गाने बजने चाहिए गाड़ी में। ब्लूटूथ मिल जाता है आपको इसमें, और नीचे आपको USB और ऑक्स के फीचर्स मिल जाएंगे। तो हाँ, बेसिक चीज़ में काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा अलग ही है, मतलब ये टच कंट्रोल्स है तो उसमें फीडबैक आप जानते हैं कैसा रहता है टच कंट्रोल्स का।
हालांकि ड्राइवर साइड तो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, फिज़िकल कंट्रोल्स, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एसी कंट्रोल्स, जिसमें आपको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड मोड, बीच में फैन स्पीड, और राइट साइड आपको यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। वेल मैनुअल एसी मिलता है आपको यहाँ पे, तो डिज़ाइन में ठीक है, डिसेंट डिज़ाइन मिल जाता है, बट एसी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा VXI वेरिएंट में। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है हैज़ार्ड लैंप बटन, एंड यहाँ नीचे आपको मिलेंगे 12 सॉकेट, USB एंड ऑक्स, और वहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे कितना स्पेस मिलता है, वेल काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे, देख सकते हैं आप, बड़े बड़े फ़ोन भी यहाँ पे काफ़ी आसानी से आ जाएंगे। और जो ये 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, इसमें आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड फंक्शन भी मिल जाएगा, तो ये आपके ड्रिंक्स को आपके मनचाहे टेम्परेचर पे रखेगा, मतलब जिस पे आप रखना चाहेंगे, गर्म पे रखना चाहेंगे गर्म पे रखेगा, ठंडे पे रखना चाहेंगे ठंडे पे रखेगा, वो आपको हीटर और मतलब एसी पे देखना पड़ेगा कि आप कौन सा टेम्परेचर चाहिए इसकी हेल्प से। गियर लीवर की बात करें, गियर लीवर के ऊपर आपके यहाँ पे क्रोम एंड ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और पकड़ने में यहाँ ये हार्ड प्लास्टिक है, बट हाँ ठीक है, डिसेंट डिज़ाइन मिल जाता है आपको यहाँ पे। और अर्टिगा में आपको यहाँ पे 5-speed मैनुअल मिल जाएगा। वेल यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक, जिसकी टिप आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी। यहाँ पे आपको एक 12 सॉकेट भी दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है मैनुअल डिमिंग IRVM, एंड ऊपर आपको ये लाइट मिल जाएगी जो कि हेलोजन बेस्ड है। यहाँ पे माइक इंस्टॉल्ड है, एंड सन वाइज़र के ऊपर यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया, और सन वाइज़र कुछ इतना ब्लॉक कर पाता है विंडो को, डिसेंट ब्लॉक कर लेता है विंडो को सन वाइज़र, कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ता है। ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, एंड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक बार मैनुअल देखो इसकी कितनी मोटी है, मतलब देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही मोटी मैनुअल यूज़ करती है मारुति। ऊपर आप स्पेस की बात करें, यहाँ पे स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। और अब सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स का एडजस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, दोनों फ्रंट सीट्स आपको 6 ways एडजस्टेबल देखने को मिल जाती हैं। वेल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट्स काफ़ी बड़े साइज में दी गई हैं, और यहाँ पे और कुछ है नहीं बताने को जैसे। और हाँ, ये सीट्स आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में मिलेगी, तो जो ये कवर्स लगाए हुए हैं एक्सेसरीज का पार्ट है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी, ये काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है आपको। अब चलते हैं रियर सीट्स पे, और अब रियर डोर पे देखिए फीचर्स की बात की जाए, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम डोर हैंडल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएगा, नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। और देखिए कैबिन स्पेस की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस देखने को मिल जाएगा। लेग रूम एंड रूम आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। दिए पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे 12 सॉकेट मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे सीमेंट्स मिल जाते हैं जो कि 4-4 दिए गए, और यहाँ पे आपको इसको कंट्रोल करने के लिए एक नॉब में मिलेगा फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। रियर सीट्स का एडजस्टेबल है, रियर सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट पर मिलेंगी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ऊपर सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलेंगे, यहाँ पे लाइट दी गई जो कि हेलोजन बेस्ड है। और अब चलते हैं रियर सीट्स पे, उससे पहले मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी आगे की सीट तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी, अभी इसको भी एडजस्ट कर लिया है। हल्का सा स्पेस छोड़ा जितना मेरे को सफिशिएंट लगता है, ताकि पीछे वाले को भी कुछ स्पेस मिले। अब चलते हैं रियर सीट्स पे, मैं कट करता हूँ यहाँ पे। हाँ तो भाई, अब चलते हैं रियर सीट्स पे, मतलब थर्ड रो सीट्स पे एंटर करने के लिए आपको इस सीट को आगे कर देना है। यहाँ पे आपको ये लीवर मिल जाता है, इसको यहाँ पे पहले तो इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे अटका हुआ था इसकी वजह से, इसको पुल करना है और ये अनलॉक हो जाएगी, इसको आगे सरका देना आप, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा अंदर एंटर करने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ सामान रखा है जिसको मैं उतारना नहीं चाहता, जिसकी वजह से सिर्फ यही वाली सीट मैंने ओपन की है, बाकी सामान पीछे रख दिया। एंटर करके देखते हैं, इनग्रेस तो ठीक है, मतलब अगर ये वाली सीट भी ओपन होती तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। हाँ तो अब गाड़ी में कैबिन स्पेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस देखने को मिल जाएगा। देखो जो ये फ्रंट दो सीट है, मतलब ड्राइवर सीट है, सेकंड दो सीट है, दोनों को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया, दोनों 5'10" 5'10" हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, तब भी उसके हिसाब से पीछे देखो कितना ज़्यादा स्पेस मिल जाता है लेग रूम एंड नी रूम में। हालांकि जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम लग सकता है आपको, मतलब उसके हिसाब से ठीक है। रियर सीट पे आपको यहाँ पे मतलब 2 पैसेंजर ही बैठ पाएंगे थर्ड दो सीट पे, हालांकि जो सेकंड दो सीट है यहाँ पे 3 को बैठाने के लिए कैपेबल है। इसके साइड में आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा, यही सब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है।
और यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं मिलते आपको थर्ड डो के लिए, हालांकि ये वाली जो एसी वेंट्स है ये ऊपर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से एयर फ्लो तो आ ही जाएगा पीछे भी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड चैनल पर हो तो सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।